मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपसे आज बातचीत करूंगा मशहूर कथाकार प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के औपन्यासिक शिल्प पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के न केवल प्रमुख कथाकार हैं, बल्कि उनके जितने भी उपन्यास हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। और प्रेमचंद ने 1 अक्टूबर 1922 से रंगभूमि लिखना शुरू किया तथा यह उपन्यास 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है जो पहले उर्दू में लिखा गया और फिर हिंदी में प्रकाशित हुआ। इसका उर्दू में नाम चौगाने हस्ती था। इस उपन्यास को भारतीय जीवन का रंगमंच भी कहा गया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद लिखा था। इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा उन्हें एक अंधे भिखारी से मिली थी। कलम का मजदूर में मदन गोपाल लिखते हैं कि वाराणसी में इस समय एक और विवाद बहुत चल रहा था। इसकी पृष्ठभूमि थी सरकार द्वारा शिवपुर के पास खेती की जमीन को टकों के दाम लेकर उद्योगपतियों को देना। जिन लोगों की जमीन हथियाई गई थी उन्हें बड़ा क्रोध आया था। इसका प्रभाव जनता पर भी पड़ा। कुछ समालोचकों का विचार है कि इस वाद विवाद को लेकर ही प्रेमचंद ने रंगभूमि जैसे उपन्यास की रचना की। यदि हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि प्रेमचंद का यह उपन्यास रंगभूमि पूंजीवाद के साथ साथ जन संघर्ष एवं बदलाव की महान गाथा है। 1925 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास रंगभूमि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपन्यास है। इसके विविध चित्र एवं इसमें विस्तृत कथानक है। इसमें सूरदास के पास 10 बीघे जमीन का एक टुकड़ा है और इस जमीन का उपयोग वह स्वयं के लिए नहीं करता, अपितु उसका उपयोग बस्ती के लोगों के सामूहिकता के लिए करने की कोशिश करता है। पूंजीपति जान सेवक की नज़र उस पर है और वे उस पर एक कारखाना लगाना चाहते हैं, पर सूरदास इस जमीन को कारखाने के लिए नहीं देते। उनका मानना है कि यह जमीन सामूहिकता के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। और इसके खिलाफ, सूरदास के खिलाफ कई षड्यंत्र होते हैं, लेकिन सूरदास हर षड्यंत्र का मुकाबला डटकर करते हैं। वह पराजित भी होते हैं लेकिन हताश नहीं होते। आखिरकार जमीन को बचाने के लिए वे संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मूल रूप से रंगभूमि एक ऐसी उपन्यासिक कृति है जिसमें नौकरशाह तथा पूंजीवाद के जन संघर्ष का तांडव, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित मद्यपान तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र उकेरा गया है। परतंत्र भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के बीच किस तरह राष्ट्रीयता की भावना को उठाया जा सकता है, इस उपन्यास को पढ़कर हमें अच्छी तरह समझ में आ सकता है। विविध स्वभाव, वर्ग, जाति, पेशा एवं आयविध के लोग अपने अपने जीवन की क्रीड़ा इस रंगभूमि में करते हुए दिखाई देते हैं। और लेखक की सहानुभूति जो है केवल और केवल सूरदास के पक्ष में बनती जा रही है, क्योंकि सूरदास गांधी दर्शन से निष्काम कर्म और सत्य को अवलंबन को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ते हैं और तत्कालीन समाज में इसी की आवश्यकता थी। यदि हम रंगभूमि के औपन्यासिक शिल्प की बात करें तो शिल्प का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण के तत्व। और किसी भी उपन्यास का गठन किस ढंग से हुआ है उसे ही हम उस उपन्यास का औपन्यासिक शिल्प कह सकते हैं। जिस प्रकार किसी भवन को बनाने में उसके दरवाजे, दीवारों और छत के निर्माण का ढंग होता है, उसी प्रकार उपन्यास के निर्माण में उसके कथानक, पात्र एवं भाषा आदि का एक अपना अलग ढंग व रूप होता है जिसे उसका शिल्प कहते हैं। और किसी भी साहित्यिक कृति के मूल्यांकन में शिल्प का अत्यधिक महत्व होता है। रंगभूमि के औपन्यासिक शिल्प की यदि हम बात करें तो उसके औपन्यासिक शिल्प को जानने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। रंगभूमि में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, रंगभूमि की वर्णनात्मकता,
रंगभूमि का ढांचा और रंगभूमि की भाषिक संरचना। यदि हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करें तो खुद प्रेमचंद इसके बारे में लिखते हैं कि यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है वहां इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को चित्रित ना कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो, जिनमें जीवन ना हो। किसी देवता की कामना मुश्किल नहीं है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है। 22 जनवरी 1930 को श्री हरिहरनाथ को प्रेमचंद एक पत्र लिखते हैं। वे लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य उन्नयन है, ऊपर उठाना है। हमारे यथार्थवाद को भी यह बात आंख से ओझल नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मनुष्यों की सृष्टि करें जो साहसी हों, ईमानदार हों, स्वतंत्र चेता मनुष्य हों, जान पर खेलने वाले हों, जोखिम उठाने वाले हों, ऊंचे आदर्श वाले हों। और आज ऐसे ही मनुष्यों की जरूरत है। और यदि हम ध्यान से देखें तो प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि का जो सूरदास पात्र है उसमें इन सारे आदर्शों की, सारे मूल्यों की किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। रंगभूमि उपन्यास में प्रेमचंद के यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के दर्शन होते हैं। रंगभूमि में चित्रित औद्योगिकरण की समस्या और स्वाधीनता आंदोलन की भावभूमि यथार्थवाद से ही आई हुई दिखाई देती है। और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, चाहे वे सूरदास हों, विनय हों, इंद्रदत्त हों आदि जितने भी पात्र हैं, किसी न किसी रूप में आदर्शवादी मानसिकता को दिखाने वाले पात्र हैं। उपन्यास में औद्योगिकरण के पक्ष और विपक्ष दोनों पात्र हैं। जो भी पात्र पक्ष में हैं वह यथार्थवादी ढंग से चित्रित किए गए हैं और जो विपक्ष में हैं वे आदर्शवाद की मूर्ति दिखाई देते हैं। उपन्यास की इस बनावट से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद्र ने पत्रों को एक पुर्जे की तरह या पात्रों को एक पुर्जे की तरह काम लिया है। सभी पात्रों को एक साथ यथार्थ की भूमि पर रखने की बजाय उसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। रंगभूमि एक वर्णनात्मक उपन्यास है, जैसे हम इसकी वर्णनात्मकता की बात कर रहे हैं। उपन्यास के लगभग हर खंड में प्रेमचंद किसी पात्र या किसी पात्र के कहने के अर्थ का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। यह वर्णनात्मक पद्धति का फायदा उन्हें होता है और इसी कारण वे जब चाहे पात्रों के अंदर हृदय परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद की पंक्तियों के बीच पाठक को कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, वहाँ भी वे प्रेमचंद ही होते हैं। वर्णनात्मक उपन्यास के बारे में यह कहा जाता है कि इसका लेखक निरपेक्ष होता है और कुछ नहीं होता। पात्रों के बीच अंतर्द्वंद दिखाने के लिए लेखक उनके संवादों के सहारा लेता है, साथ ही उन संवादों का वर्णन करके उसके अनुसार आगे भी बढ़ाता है। प्रेमचंद का पाठक प्रेमचंद से सहमत पाठक है, वह प्रेमचंद से प्रश्न नहीं करता। लेखक ने संपूर्ण उपन्यास में अनेक स्थलों पर कथा को स्वयं के अनुसार बदला भी है। जैसे हम इसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, प्रेमचंद ने विनय और सोफिया की एक लंबी प्रेम कहानी इसमें दिखाई है। इस प्रेम कहानी में पर्वत के आकार जैसी समस्याएं आती हैं और दोनों पात्र इस समस्या को पार करते हैं, परंतु उनकी परिणति जो है उनके विवाह में नहीं होती। इसी तरह जहाँ रानी जाह्नवी एक आदर्श पात्र के रूप में चित्रित हैं और वहीं प्रेम को सिर्फ इसलिए नकारती है क्योंकि वह अंतर्धार्मिक है। वह प्रेम में त्याग के पक्ष को नज़रअंदाज करती है। उनके संबंध को विवाह तक ले जाना एक अच्छे आदर्श को प्रस्तुत कर सकते थे प्रेमचंद, लेकिन प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। प्रेमचंद पात्रों से अपने अनुसार ही खेलते हैं और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हम विनय और मिस्टर कलार्क के रूप में देख सकते हैं। ये दोनों पात्र जरूरत के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। विनय के जरूरत के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ले जाने पर प्रेमचंद थोड़ा वर्णन करते हैं, परंतु क्लार्क का तबादला कथा को आगे बढ़ाने का एक सरल तरीका मात्र दिखाई देता है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में किसी भी पात्र के प्रवेश के साथ उसके बारे में बताते हुए बह जाते हैं और इसी कारण कहीं ना कहीं वे अतिरंजना के शिकार भी होते हुए दिखाई देते हैं। वर्णन की बहाव में बहने पर वह कभी कभी कुछ पक्षों को चित्रित करना भूल भी जाते हैं, जिनके वर्णन से उपन्यास को और अधिक गहराई मिल सकती थी। उदाहरण के लिए हम देखें तो सोफिया के घर से भाग जाने पर वह उसके घर वालों की चिंता या पता लगाने की कोशिश का वर्णन नहीं करते।
जिससे हमें सेवक परिवार के घर वालों की मानसिकता का चित्र अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। सिर्फ प्रभु सेवक की चिंता का छोटा सा वर्णन इसमें दिखाई देता है और उस वर्णन में पुलिस में सूचना तथा अखबारों में सूचना दिए जाने की बात भी आती है। कथा में जहाँ कुंवर भरत सिंह का परिवार पढ़ा लिखा है तथा देश की दशा का खबर रखने वाला है, अतः स्पष्ट है कि उनका वास्ता अखबारों से जरूर पड़ता होगा, परंतु उपन्यास में यह तथ्य उजागर नहीं होता। वर्णन की अतिरंजना में प्रेमचंद सिर्फ प्रभु सेवक की चिंता ही देखते हैं। ठीक इसी तरह का उदाहरण हम रानी जाह्नवी द्वारा अपने महल दिखते वक्त भी मिल सकता है, जहां एक तरफ प्रेमचंद बताते हैं कि रानी एक आदर्श देश सेवक हैं जो अपने पुत्र को देशवासियों की सेवा के लिए कठिन परिस्थितियों में रहने को भेज देती हैं और उसकी मृत्यु पर भी नहीं रोती हैं। वहीं उनके निवास स्थान का वर्णन करते वक्त प्रेमचंद विलासिता की कोई भी चीज भूलते नहीं है। वर्णनात्मकता के बाद हम इसके ढांचे पर बात करें तो रंगभूमि एक वृहद उपन्यास है और यह उपन्यास 48 खंडों में लिखा गया है। उपन्यास की जो शुरुआत है वो सूरदास की जमीन पर जान सेवक की नजर पड़ने से तथा उसमें सिगरेट का कारखाना लगाने के विचार से होता है। उपन्यास के विभिन्न पात्रों का परिचय प्रेमचंद वर्णन, व्यंग, उपहास, उमंग, उत्साह एवं कहीं कहीं करुणा के स्वर में भी करते हुए दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में मुख्य कथा सूरदास के जमीन को लेकर उसके और जॉन सेवक के बीच के संघर्ष को लेकर है। इस कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ती जाती हैं। कथाओं का प्रसंग टूटता और जुड़ता रहता है, जिसके कारण प्रेमचंद को लगभग हर खंड में भूमिका बांधना पड़ता है। यह छोटी छोटी कथाएं मुख्य कथा से जुड़ती हुई कथा के विकास में सहायक प्रतीत होती हैं। कथा का मुख्य भाग सूरदास पर केंद्रित है, जिसकी मृत्यु के साथ ही उपन्यास का अवसान होने लगता है। मिस्टर क्लार्क एक स्थान पर सूरदास के विषय में सोचते हैं कि जब तक यह आत्मा जीवित रहेगी अंगों की गति कभी बंद नहीं होगी, इसलिए आत्मा ही नाश कर देना आवश्यक है। उद्गम को बंद कर दो, जल प्रवाह बंद हो जाएगा। मूल मंत्र को अंधे को समर स्थल से हत्या देना था, यही जीवन का केंद्र है और यही गति संचालक सूत्र भी है। ठीक यही बात उपन्यास में घटित भी होता है। क्लार्क के हाथों सूरदास की मृत्यु और उपन्यास का अवसान हमें दिखाई देता है। उपन्यास को इस ढंग से खत्म करने के पीछे लेखक के अपने विचार हो सकते हैं। सूरदास की मृत्यु से वे करुणा उत्पन्न करने की कोशिश करते होंगे, या इसी से शांति व्यवस्था स्थापित होगी ऐसा उन्होंने सोचा होगा, या इसी से अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध पनपेगा ऐसा प्रेमचंद ने सोचा होगा, या इसी से उसकी सूरदास की मृत्यु से समस्या का तत्कालीन हल निकलेगा ऐसा उन्होंने सोचा होगा और इसीलिए उन्होंने सूरदास की मृत्यु कराई होगी। जिन पात्रों का संपूर्ण चित्रण करना आवश्यक था उनका चित्रण करते वक्त प्रेमचंद उनका बड़ी बारीकी से परिचय देते हैं और जो गौण पात्र हैं उनका जिक्र आने पर चलते संवादों के दौरान उनके बारे में एक दो पंक्ति में बात करते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह गौण पात्र कहीं कहीं प्रभावशाली होने पर भी उतना महत्व नहीं पा पाते। प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य कथा को उसके उद्देश्य तक ले जाने की होती है, अतः वह पात्रों की मन स्थिति अपने अनुसार बदलते रहते हैं। वे किसी पात्र को बनाने संवारने में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। यही कारण है कि उपन्यास में जिसका परिचय जोसेफ क्लार्क के रूप में कराया गया आगे वह विलियम क्लार्क हो जाता है और प्रेमचंद के लिए वह मात्र अंग्रेज नौकर सा है। इसी प्रकार उपन्यास में एक स्थान पर नायक राम पंडा को 3,000 रुपये का मुआवजा मिलता है, वही मुआवजा आगे के पृष्ठों में 500 रुपये का हो जाता है। यह असली मुद्दा नायक राम पंडा की बेईमानी और मिली भगत का है। इस प्रकार प्रेमचंद पात्रों के नाम और विवरणों में गलतियां करते हैं, परंतु अपनी बात और अपनी भावना को पाठक तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल दिखाई देते हैं। ढांचे के बाद हम रंगभूमि की भाषिक संरचना की बात करेंगे। प्रेमचंद की जो भाषा है वह राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु की परंपरा की न होकर वरन शिव प्रसाद सितारे हिंद की परंपरा की है। उनकी भाषा हिंदुस्तानी का रूप ले लेती है। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा बनती हुई दिखाई देती है। वह अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक करते हुए इस उपन्यास में दिखाई देते हैं, साथ ही संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी यहाँ कम मिलता है।
यदि रंगभूमि की भाषिक संरचना में और आगे बात करें तो इसमें कुछ पात्र शिक्षित समाज से आते हैं परंतु अधिकतर पात्र अशिक्षित समुदाय से संबंध रखते हैं। इस प्रकार के पात्रों की भाषा उन्होंने कुछ खास अंतर नहीं दिखाया है बल्कि बीच का एक रास्ता लेते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सभी को स्वाभाविक लगे और दोनों समाज के लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। उन्होंने सेवक परिवार जो कि एंग्लो इंडियन है के द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग अधिक कराया है जिसे उन्होंने लिखा हिंदी में परंतु कोष्ठक में यह बताते चलते हैं कि वह पात्र अंग्रेजी में अपनी बात कह रहा है। उपन्यास में भाषा और शैली के स्तर पर अत्यंत सादगी और सहजता दिखाई पड़ती है। लेखक ने जिस प्रकार अनुभव किया उसी प्रकार इस उपन्यास में लिखने की कोशिश की है, उसमें कहीं कुछ बनावटीपन दिखाई नहीं देता। उपन्यास में प्रेमचंद ने सामाजिक संपर्क एवं अनुभवों से भाषा को गठन किया है। हर वर्ग की भाषा को प्रामाणिकता प्रदान करने का सफल प्रयास करते हुए लेखक ने उस वर्ग की शब्दावलियों का प्रयोग भी किया है। यदि हम इसकी भाषिक संरचना की और आगे बात करें तो भाषा में विश्वसनीयता दिखाई देती है। अपनी भाषा में प्रामाणिकता के लिए प्रेमचंद लोक जीवन के विविध व्यवहार के साथ साथ उन सामाजिक ऐतिहासिक शक्तियों को भी साकार करते हुए दिखाई देते हैं। कारण जैसे शब्दों का चयन उन्होंने ग्रामीण लोगों की भाषा के लिए किया है। कहीं कहीं पर उन्होंने कबीर और तुलसीदास के दोहों का भी प्रयोग किया है जिससे यह भाव आता है कि ग्रामीण व्यक्ति आज भी लोक से जुड़ा हुआ है। यदि हम आगे बात करें तो सूरदास के अपरजाय संकल्प और धर्मभीरु संस्कार को प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि इसकी चिंता न कीजिए, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि के हाथ है, हम तो खाली मैदान में खेलने के लिए बनाए गए हैं। सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेलते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी जीत हो, लेकिन जीत एक की होती है तो क्या इससे हारने वाले हिम्मत हार जाते हैं? वे फिर खेलते हैं, फिर हार जाते हैं तो फिर खेलते हैं, कभी ना कभी तो उनकी जीत होती है। जो आपको आज बुरा समझ रहे हैं वे कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। हाँ, नियत ठीक रहनी चाहिए, मुझे क्या, उनके घर वाले बुरा ना कहते होंगे जो मेरे कारण जान से गए। तो यह सूरदास के द्वारा जो पंक्ति उन्होंने कहाई है इसमें हम देखें तो भाषाई संरचना सभी रूप से दिखाई देता है। इसमें देशज शब्द भी हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं और सूरदास के इस कथन को पढ़ने से हमें उनकी मनोवृत्ति का भी दिखाई देता है। रंगभूमि में लेखक ने जिस विश्वसनीयता से ग्रामीण पात्रों को रचा है उसी विश्वसनीयता से शहरी कथा और पात्र को भी रचा है। इसलिए वह ग्रामीण पात्रों के भोलेपन को ही नहीं बल्कि मध्यवर्गीय पात्रों के छल और कपट के साथ उसके चरित्र के नाटकीय परिवर्तन को भी गहराई से उभारने की कोशिश करते हैं। यदि हम कुल मिलाकर कहें तो रंगभूमि का जो यह उपन्यास है औपन्यासिक दृष्टि से आदर्श और यथार्थ को समन्वय करने का प्रयास करता है। इसकी जो भाषा है वह लोक भाषा से जुड़ी हुई सरस भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अतिरंजनापूर्ण शैली इसमें दिखाई देती है और उपन्यास में पात्रों के ऊपर कथा हावी रहता है, इससे पात्रों का स्वाभाविक विकास दिखता है। यह उपन्यास एक बड़ा उपन्यास है जिसमें अनेक प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा से जुड़ती हुई चली आती हैं। तो प्रेमचंद ने आम बोलचाल की हिंदी उर्दू का मूला जुला रूप प्रयोग इसमें लिया है और इस तरह हम प्रेमचंद ने जिस बुनावट और बनावट की बात इस औपन्यासिक शिल्प में की है, चाहे वो कथा हो, ढांचा हो, भाषा हो, आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद हो, सभी को बड़ी ही परिप्रेक्ष्य दृष्टि से, समकालीन दृष्टि से रखने की कोशिश की है और पूरे उपन्यास में भाषा कहीं बोझिल नहीं होता बल्कि स्वाभाविक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम इतना ही बात करते हैं इस औपन्यासिक शिल्प पर, फिर आगे हम किसी और दृष्टि से प्रेमचंद के किसी अन्य उपन्यास पर या रंगभूमि पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत आभार।